नमस्कार फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर सबीना आई व्यू स्पेशलिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिशा जहां हम बात करते हैं वुमेंस हेल्थ के बारे में तो फ्रेंड्स आज ऑन द ओकेजन ऑफ मदर्स डे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूं जो कि है पोस्टमार्टम ब्लूज और पोस्ट डिप्रेशन ये वीडियो फ्रेंड्स मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि इस सिचुएशन से मैं भी गुजरी हूँ एज अ मॉम और आज मैं आपको मेडिकल नॉलेज तो शेयर करूँगी ही साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि कैसे मैंने इसको डील किया और इस सिचुएशन से बाहर आई तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी डिलीवरी और बेबी को घर में लाना एक महिला के लाइफ में बहुत ही हैप्पी uh, मोमेंट होती है एक बहुत ही ब्लिसफुल मोमेंट होती है ये हम सबको पता है तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ जैसी मेरी बेटी हुई बहुत ज़्यादा खुश थी मैं ऐसा लग रहा था कि बस सब कुछ मिल गया है मुझे हॉस्पिटल में अच्छे से रहे सब सपोर्ट था मेरे हस्बैंड भी लीव लेके कर आए अपने मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज हो गई मैं भी नॉर्मल थी हेल्दी थी बेबी भी बिल्कुल हेल्दी थी तो सब कुछ ठीक था जैसे ही मैं घर आई सब कुछ ठीक था वही घर वही कमरा लेकिन आ, किसी तरह का मैंने अपने अंदर मेंटल स्ट्रेस जिसको बोलते हैं मेंटल तनाव महसूस किया तो हुआ क्या फ्रेंड्स जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स या बहुत सारे रिलेटिव्स मुझे कॉल करते थे मिलने आते थे बधाई देने आते थे कॉन्ग्रैट्स करते थे लेकिन आ, मुझे लगा कि मैं उतनी ज़्यादा एक्साइटेड उतनी ज़्यादा खुश नहीं हूँ जितना मैं आ, कुछ दिन पहले थी और आ, बेबी के साथ मैं अच्छे से खेल रही हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है खेलते खेलते सडनली मैं रोने लग जाती थी मतलब एक पल में मैं खुश एक पल में मैं उदास हो जाती थी पता नहीं चल रहा था ऐसा क्यों हो रहा है अच्छा बहुत ज़्यादा एनजाइटी लेवल्स जो है वो बहुत बढ़ गए थे ऐसा लगता था कि अरे बेबी की केयर कैसे करूँगी क्या मैं उसको बेस्ट दे पाऊँगी या नहीं कल को मेरे हस्बैंड चले जाएंगे तो मैं कैसे करूँगी कैसे इसको नहलाऊँगी कैसे मालिश करूँगी तो ये सब थाट्स मेरे दिमाग में सारा दिन यही रहते थे और फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो गई थी मतलब अगर आ, मेरे कोई भी फैमिली मेम्बर या कोई भी रिलेटिव बेबी को मसाज करता या उसको नहलाता छोटी छुड़ छोटी बात पे कि ऐसे मत करो वैसे मत करो बेबी को ये मत करो मैं चिड़चिड़ी बहुत रहने लग गई थी और मेरे आ, घर वाले सब ऐसे हो गए थे यार कि मतलब इतना आ, खुशी का मोमेंट है इतना सब कुछ सब ठीक है बेबी हेल्दी है तुम हेल्दी हो क्यों रो रही हो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो लेकिन फ्रेंड्स जैसे कि ऑब्वियसली मुझे कुछ अवेयरनेस थी इन सब चीज़ों के बारे में तो इसलिए मैं इस सिचुएशन को अच्छे से डील कर पाई और अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल पाई तो फ्रेंड्स ये जो सारे मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं तो मुझे क्या हुआ था मुझे हुआ था पोस्टमार्टम ब्लूज़ ये फ्रेंड्स अस्सी प्रतिशत महिला में कुछ ना कुछ मानसिक स्ट्रेस जो पोस्टमार्टम ब्लूज कहते हैं वो देखे गए हैं जिसके ये सिम्टम्स होते हैं ठीक है अच्छा अब ये होते कब है ये डिलीवरी के अराउंड तीन चार दिन के बाद स्टार्ट होके दस से चौदह दिन तक रहते हैं ठीक है तो अब बात करते हैं क्या क्या कारण है जिसकी वजह से पोस्टमार्टम ब्लूज होते हैं तो सबसे पहले जो कारण है वो है हार्मोनल हार्मोनल क्या प्रेगनेंसी में जो हमारे हार्मोन्स हैं वो एक लेवल तक मेंटेन रहते हैं आफ्टर डिलीवरी जो हार्मोन्स हैं उनका लेवल बिल्कुल कम हो जाता है जिसकी वजह से इन हार्मोन्स की फ़्लक्चुएशन की वजह से हमारे मूड जो हमारे मूड चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है अच्छा दूसरा कारण है फिज़िकल चेंजेस फ़िजिकल चेंजेस में ऑब्वियसली चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सजेरियन है फिज़िकल वीकनेस हर एक महिला को होती है तीसरा इमोशनल चेंजेस नया इन्वायरमेंट है एक नया रोल है बेबी की केयर करनी है एक एनशियस लेवल वैसे ही बढ़ जाता है कि मैं कैसे केयर करूँगी मैं सब कुछ ठीक से कर पाऊँगी या नहीं फैक्टर्स मिलाकर रीज़न बनते हैं पोस्टमार्टम ब्लूज़ का पोस्टमार्टम ब्लूज़ को बेबी ब्लूज भी फ्रेंड्स बोलते हैं ठीक है तो चलिए अब बात करते हैं ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपना इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं देखिए फ्रेंड ज़्यादातर क्या होता है ये जो पोस्टमार्टम ब्लूज़ मैंने आपको बोला है कि अराउंड दस से चौदह दिन तक रहते हैं उसके बाद ये अपने आप ही सेटल हो जाते हैं मगर कुछ चीज़ें अपना कर आप इस सिचुएशन को अच्छे से डील कर सकते हैं सबसे पहले डोंट ब्लेम योर सेल्फ आपको ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है अब आपको पता चल गया है कि इन इन कारणों की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं हार्मोनल चीज़ें हैं फिजिकल वीकनेस है इमोशनल चेंजेस हैं जो मेरे अंदर हो रही हैं इस वजह से ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं अपने आप को ब्लेम मत कीजिए कि मैं आप बेबी को क्यों नहीं केयर कर पा रही मैं क्यों रो रही हूँ इट्स ओके ये भी फेस ओवर हो जाएगा जल्द ही ठीक है दूसरी चीज़ डोंट बी सुपर वुमन सुपर वुमेन कई महिलाएँ बच्चे को दूध भी मुझे पिलाना है मालिश भी मुझे करनी है नहलाना भी मुझे है और खुद का खाना भी मैंने ही बनाना है लॉन्ड्री भी मैंने करनी है तो फ्रेंड्स इतना सब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको भी अच्छे से रेस्ट चाहिए प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प आपके फ़ैमिली मेम्बर हो गए रिलेटिव हो गए हस्बैंड हो गए या कोई भी केयर टेकर जैसे भी आप करना चाहते हैं बट प्लीज़ सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है ठीक है अगला है मेक अ रूटीन अब ऑब्वियसली बेबी के साथ रूटीन कैसे बनाएं डॉक्टर बेबी के साथ ही उठना है बेबी के साथ ही सोना है तो देखिए इस रूटीन में भी कम से कम 15 से 20 मिनट अपने आप पे ज़रूर आप निकालिए आप इन 15 मिनट में कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं मेडिटेशन कर सकते हैं सबसे अच्छा आप बाहर वॉक के लिए जा सकते हैं जो भी चीज़ आपको थोड़ा रिलैक्स करती हैं आप वो चीज़ कर सकते हैं बट डेफिनेटली पंद्रह से बीस मिनट पूरे दिन में आप अपने लिए ज़रूर निकालिए ठीक है अगला है ईट प्रॉपरली ईट प्रॉपर्ली में अच्छे से बैलेंस डाइट न्यूट्रिशियस डाइट आप लीजिए जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उसको अपनी डाइट में अच्छे से इंक्लूड कीजिए हाइड्रेशन पानी को बिल्कुल भी निग्लेक्ट मत कीजिए अगर आप फीड करवा रहे हैं या जैसे भी आपको अपने ओवरऑल वेल्बिंग well के लिए हाइड्रेशन कम से कम चार से पाँच लीटर आपको पानी पीना ही है साथ में आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं वो भी इसमें हेल्प करता है फ़्रेश जूसेस जैसे भी आपको जो भी कंफर्टेबल है हाइड्रेशन ज़रूर मेंटेन करके रखिए ठीक है उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्लीप अब स्लीप तो एक ही डायलॉग है हर जगह कि जब बच्चा सोएगा तभी तुम्हें सोना है जब बच्चा सोएगा तभी तुम्हें सोना है मगर फ्रेंड्स हमें खुद को पता है कि ऐसा बहुत बार नहीं हो पाता है जब बच्चा सोता है हमारे कुछ कुछ अपनी थॉट्स चल रही होती हैं हमारे कुछ काम चल रहे होते हैं जो हमें पेंडिंग काम करने होते हैं तो कभी कभी ये चीज़ नहीं होती तो इसमें फ्रेंड्स मैं आपको अगेन बोलूँगी कि आस्क फॉर हेल्प आप अपने पार्टनर को बोल सकते हैं जब आपको एग्जॉस्टेड फील हो जब आप सोना चाहें कि आपके पार्टनर कुछ टाइम के लिए बेबी को पकड़ ले या फिर आप एक टाइम जो नाइट का फीड टाइम है वो अपने पार्टनर को बोल सकते हैं आप अपना मिल्क जो है वो एक्सप्रेस करके रख सकते हैं या टॉफ फीड एक टाइम के लिए दे सकते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ताकि अगले दिन आप पूरी की पूरी एनर्जी अपने बच्चे को दे सकें ठीक है और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स टॉक टू योर फ्रेंड्स जो भी नई माएँ हैं या जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं उनसे बात कीजिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा अपनी थॉट्स जो है वो शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ ही नहीं अपने हस्बैंड के साथ फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव जो भी आप फील करते हैं जस्ट शेयर विद एवरी वन आपस जस्ट घुमसुम बैठ के इसका कोई सोल्यूशन नहीं है जितनी आप बात करेंगे उतना ही आपको सोल्यूशन मिलेगा ठीक है तो फ्रेंड्स ये चीज़ें तो हो गई जो आप आ, अपने पे वर्क कर सकते हैं और जल्द ही बहुत इजीली इस चीज़ से आप बाहर निकल सकते हैं ठीक है तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि आपको डॉक्टर के पास कब दिखाना है यदि ये सिम्टम्स दो हफ्ते भी हो गए हैं तब भी ये चली जा रहे हैं तब आपको डॉक्टर के पास दिखाना है यदि आ, ये सिम्टम्स कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे हैं बढ़ रहे में मतलब कि आपका बच्चे की तरफ कोई लगाव ही नहीं है आप दूध नहीं पिला रहे बच्चे को आपका दूध पिलाने का मन नहीं करा आपका कोई खेलने का मन नहीं करा आप सारा दिन रो रहे हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहे बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग ब्लेम फीलिंग आप में है कि मैंने क्यों बेबी को बर्थ दिया मैं कैसे ध्यान रखूंगी मैं तो ध्यान रख ही नहीं सकती तो ये सब चीज़ें अगर है और बहुत एक्सट्रीम केसेस में अपने आप को हार्म करना बेबी को हार्म करना जो चीज़ें आपको पहले खुशी देती थी अब उसमें आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होना बिल्कुल लॉस्ट हो जाना अगर ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स तो ये पोस्ट पार्टम ब्लूज़ नहीं है इस टर्म को हम बोलेंगे पोस्ट पार्टम डिप्रेशन की मतलब आप पोस्ट पार्टम टर्म डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो इन चीज़ों में आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ठीक है पोस्टपार्टम डिप्रेशन फ्रेंड ज़्यादातर उन पेशेंट्स के लिए होता है जो कि ऑलरेडी डिप्रेशन की कोई मेडिसिन ले रहे हैं या फिर जिनमें कोई फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की बट स्टिल अगर ये सिम्टम्स हैं तो बेटर टू गो टू डॉक्टर ठीक है और एक और बात फ्रेंड्स अगर आप कोई डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसे बिना डॉक्टर से पूछे आप प्लीज़ बंद मत कीजिए ये सोच के कि बच्चे को हम दूध पिला रहे हैं और बच्चे तक ये मेडिसिन जाएगी ऐसा नहीं है आपकी जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो अपने से कोई भी मेडिसिन आप बंद मत कीजिए ठीक है तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो लास्ट <coughs> में मैं आपको यही कहूँगी कि आई रियली डोंट नो वट इज़ द मीनिंग ऑफ सुपर मॉम परफेक्ट मॉम क्या है हैप्पी मॉम क्या है लेकिन अपने बच्चे के लिए आप ही बेस्ट मॉम हैं ये आपको हमेशा ध्यान रखना है और हमेशा याद रखना है तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मिलती हूँ जल्दी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच